जो आज की एक लेटर जो निकली है, जो प्रिंट मीडिया में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक निकाली है, जिस पे उन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं आम जनता को। हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जो एक्साइज कमिश्नर ने एक नोटिस निकाला है अखबार में, डेली रिजल्ट में, जिसने उसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं सब जनरल पब्लिक के लिए। मैं एक्साइज कमिश्नर को चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप हमारे किसी भी बंदे के साथ बैठ के इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लीजिए, और ये सारे के सारे पॉइंट जनरल पब्लिक को गुमराह करने के लिए दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि हमने ये जो पॉलिसी नहीं निकाली है, ये हॉनरेबल हाईकोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए निकाली है, जबकि हॉनरेबल हाईकोर्ट की जजमेंट पेज नंबर 50 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस ऑफ द ट्रेड फॉर इन लिक्वर इफ परमिसिबल इन लॉ, जो कि अंडर रूल 14 परमिट किया जाता है रिन्यूअल का, ऑल द कंडीशन एप्लीकेबल फॉर द ग्रांट ऑफ न्यू लाइसेंस शुड बी एप्लीकेबल। साफ साफ हाईकोर्ट ने लिखा है कि इनको रिन्यू कर सकते हो अगर अंडर लॉ रिन्यू किया जाता है, जो कि डेकेड से किया जाता है। इसको भी नजरअंदाज किया गया इस पॉलिसी में। उसके बाद इन्होंने लिखा कि हमने ये पॉलिसी बनाई है ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करने के लिए, जबकि 2005 में ई लॉटरी सिस्टम किया गया था, ई लॉटरी सिस्टम किया गया था, वो भी डिपार्टमेंट का फ्रॉड एक पकड़ा गया था। इसमें क्या गारंटी है कि इस बार ई ऑक्शन में जो है ई बीडिंग में है फ्रॉड नहीं किया जाएगा? ये हाईकोर्ट की जजमेंट में साफ साफ लिखा गया है। इनके अपने ही डिपार्टमेंट के बंदे, राहुल डोगरा करके नाम है जिसके ऊपर इंक्वायरी सीबीआई ने की है, राकेश डोगरा जिसके ऊपर सीबीआई ने इंक्वायरी की थी, बट वो भी इन लोगों ने अपने डिपार्टमेंट के बंदे होते हुए इंक्वायरी कहां गई किसी को कुछ नहीं पता है, बट हमारे ऊपर गाज जरूर गिराएगी। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है जी वन इंडिविजुअल वन वैंड हम लोग देंगे। वन इंडिविजुअल वन वैंड मीन हम ये काम कर रहे हैं मोनोपोली खत्म करने के लिए। एक परिवार में अगर 10 बंदे हैं, 10 के 10 लाइसेंस ले सकते हैं, मुझे बताइए मोनोपोली कहां खत्म हो रही है। उसके बाद इन्होंने लिखा जी हम जो ऑक्शन है वो एग्जिस्टिंग लोकेशंस पर कर रहे हैं, बट पॉलिसी के पेज नंबर, जो इन्होंने पॉलिसी निकाली है, पॉलिसी के पेज नंबर 3 पे साफ साफ लिखा गया है कि हम इनिशियल स्टेज में ये लाइसेंस देंगे, इसके बाद कितने लाइसेंस इश्यू होंगे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया। ये अपनी ही पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्ट खुद कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने लिया जी फॉर द फर्स्ट टाइम एमआरपी फॉर्मुलेट प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन डिसाइडेड। पॉलिसी में इन्होंने साफ लिखा गया है कि हमने 10% प्रॉफिट मार्जिन दिया गया है, 10% प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने दिया गया है। जो ट्रेडर बाहर से आ रहे हैं इसमें बिडिंग करने के लिए, उनको नहीं पता कि प्रॉफिट मार्जिन एक्स जेकेएल वन प्राइस पर है। कमिश्नर साहब को ये नहीं पता है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट हमेशा सेल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ना कि परचेज के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप इसके हिसाब से जाएंगे तो आपका प्रॉफिट मेयरली 3-4% रह जाएगा। ये हमारी जनरल पब्लिक को नहीं पता है। हमारी जनरल पब्लिक ये सोच रही है कि इसमें शराब में पता नहीं कितना ही प्रॉफिट है, वो लोग खा गए हम रह गए, बट उनको ये नहीं पता है कि इसमें 3-4% का प्रॉफिट है। उसके बाद इन्होंने लिखा है जी हम सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट इमूवेबल प्रॉपर्टी का ले रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ले रहे हैं। ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट ये लोग ले रहे हैं अपना सेफगार्ड करने के लिए, रेवेन्यू आपके लोगों के लिए नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कहा है जी हम ये इसलिए ले रहे हैं कि बाहर का कोई बंदा इसमें ना आए, बाहर का बंदा ना आए, लेकिन सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट अगर आप खुदा ना खास्ता इसमें टैक्स ना ही दे पाए तो आपका सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर जब्त कर लेगी, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद इन्होंने दिया जी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब बंदों को ई ऑक्शन प्रोसेस में बैठने के लिए। ये कमिश्नर साहब की एक लेटर है जिसमें इन्होंने खुद लिखा है कि जो ई बिडिंग और ई लॉटरी का प्रोसेस है वो हमारे रूल में परमिट नहीं किया जाता है। अगर इसको रूल के अंदर लाना है तो हमें रूल अमेंड करने पड़ेंगे। आज की डेट तक कोई भी रूल अमेंड नहीं किया गया है, तो ई ऑक्शन कैसे इंप्लीमेंट की गई, ई बिडिंग कैसे इंप्लीमेंट की गई जब हमारे रूल में ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी कोई भी बंदा इसमें परपेचुअल ट्रांसफर विद इन द फैमिली नहीं की जाएगी। इसमें मुझे बता दीजिए अगर एक साल के अंदर किसी बंदे को मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो अगर लाइसेंस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी तो आप लोग अपने रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए आप लोग ले लेंगे, उसकी फैमिली क्या करेगी? उसकी फैमिली इसके अंदर इतने फ्लॉज हैं कि हमारा जनरल पब्लिक को अभी तक नहीं पता। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि हमने फर्स्ट टाइम ऑन पब्लिक डोमेन हमने एक ड्राफ्ट पॉलिसी डाली और हमने लोगों से सजेशन मांगी। ये वो सजेशंस हैं जो एक लेटर एक्साइज कमीशन ने लिखी है। 850 ईमेल से ज़्यादा इनको रिसीव हुई और 850 ईमेल जो हैं वो इस ड्राफ्ट पॉलिसी को अपोज करती हैं। कहाँ गई ये लेटर, किस किस खाते में फेंकी गई, किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद एक्साइज कमीशन ने खुद इसमें अपने लिखा हुआ है कि ये जो ट्रेड है ये जम्मू के लोगों का ट्रेड है, अगर हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, उनकी वर्डिंग है विद रिगार्ड्स टू स्टेप मदरली ट्रीटमेंट एंड रिलीजन बायस towards the people of Jammu region, it is a fact that the trader of liquor is primarily established in the Jammu region only. For
फोर वैंस आर ऑपरेटिंग इन कश्मीर प्रोविंस, देयरफॉर एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइसेंस शैल बी अपेरेंटली फॉर द जम्मू रीजन। सिर्फ जम्मू रीजन ही इफेक्ट होगा, बाहर का कोई बंदा इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने साफ लिखा है इसमें कि ट्रेडर्स बार बार अपने लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, बार बार अपने लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 13 के इसमें देखो कमेंट्स लीगल पोजीशन में लिखा है कि देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डिनाई ऑफ द फैक्ट दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड देयर फैमिलीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, जिनका लाइवलीहुड इसी पे डिपेंड करता है। अगर ये कमिश्नर साहब ने लेटर लिखी है, रिकमेंडेशन ऊपर भेजी गई है, तो ये कहाँ गई चिट्ठी? ये ठंडे बस्ते में डाल दी गई? और ये चिट्ठी कुछ अकेली नहीं लिखी गई है, ये 6 बंदों ने लिखी है। टेक्निकल PA, 4 DCs और एक्साइज कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी कहाँ गई है? और इसमें इन्होंने रिकमेंडेशन भेजी है नीचे से कि जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसीज हैं उनको रिन्यू किया जाए, उनको रिन्यू किया जाए, कम से कम उनको 2 साल का टाइम दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस लाइबिलिटीज डिवर्सिफाई एंड शिफ्ट टू इन अल्टरनेट बिजनेस, ताकि उनका जो लाइवलीहुड है वो सफर ना करे। अगर वो उन्होंने लिखा है तो ये कहाँ गया? रिकमेंडेशन फिर मांगी किस लिए गई? अगर आपने हमारी बात सुननी ही नहीं थी तो जनरल पब्लिक से क्यों मांगी गई? एक इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि हमने पीपल्स का पब्लिक सेंटीमेंट्स आर फुली टेकल इनटू अकाउंट। ये 850 जो मेल्स हैं, ईमेल्स हैं, ये पब्लिक के ही सेंटीमेंट्स हैं, ये हमारे सेंटीमेंट्स नहीं है। इसमें MLAs के हैं, कॉरपोरेटर्स के हैं, इसमें जनरल पब्लिक के इश्यूज हैं। तो अगर आपने पब्लिक सेंटीमेंट्स करने ही नहीं है तो ये ईमेल किस लिए मांगी आप लोगों ने? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए बनाई गई है, छोटा लोग इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जनरल पब्लिक नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगी। मैं कमिश्नर साहब बोलता हूँ, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि आप हमारे साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लीजिए, मैं आपको एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा जो आपने लोगों को गुमराह करने के लिए आज के न्यूज़पेपर में दिया है। एवरीवन, जिस तरह से हमारी ओथ सेरेमनी हुई थी वहाँ हमने यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रिप्रेजेंटेशन दी थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमने नारा दिया था कि 370 हटने के बाद हमारे जम्मू के व्यापारियों को, जम्मू संभाग के व्यापारियों को तंग नहीं किया जाना चाहिए, चाहे हम वाइन ट्रेडर की बात करें, चाहे हम सिद्रा के बात करें, चाहे हम गांधीनगर की बात करें। ऐसा लग रहा है कि हमारे जम्मू के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो टैक्स पेयर हैं, जो हॉनेस्टी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं, वो साफ टारगेट है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मेरी आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री जतिंदर सिंह जी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कम से कम जम्मू के व्यापारियों को बचाया जाए। मैं समझता हूँ इस ट्रेड से 30,000 परिवारों को नुकसान होता है, इनमें से वो परिवार भी है जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अपने साथी खोए हैं और उनको रिवार्ड में ये लाइसेंस मिला है। आप एक तरफ भारत रत्न अवार्ड देते हो और दूसरी तरफ वापस लेते हैं। और मेरी आपके माध्यम से मांग है, जो एक फैमिली को एक लाइसेंस और जो जम्मू के ट्रेडर्स को हैं उनका हक जो है मिलना चाहिए, और जो ऑक्शन का प्रोसेस है वो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। और मेरे व्यापारियों को जो ईज ऑफ डूइंग का नारा है हमारी व्यापारियों का, वो तंग नहीं किया जाना चाहिए। और जम्मू की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ख़ास तौर पे जो BJP है, वो भी खुल के बाहर आए और हमारी जो बड़ी संस्था है वो भी खुल के बाहर आए, ताकि हम सारे जम्मू इकट्ठे होके इन वाइन ट्रेडर को, इनके घर को, सबको बचा सके। एक बार फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से कि इनको उजड़ने ना दिया जाए और इनके व्यापार जो जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलने दिया जाए, ताकि इनके परिवारों को राहत मिल सके। और ईज ऑफ डूइंग का आज फिर आपके माध्यम से नारा देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।